अगर मैं अंबानी की शादी में जाती तो इन आउटफिट से बड़े बड़े डिजाइनर के आउटफिट्स को टक्कर दे देती जितने भी कपड़े आप इस वीडियो में देखने वाले उन सभी का लिंक मैंने आपको कमेंट्स में दे दिया है। अगर ना मिले तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो मैं आपको लिंक दे दूंगी वेबसाइट का भाई सबसे पहले तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई की भाई अंबानी की शादी के लिए अगर आपने आउटफिट्स मंगाए तो बहुत महंगे होंगे जी नहीं ये है तो डिजाइनर लेकिन इनका प्राइस है डिजाइनर से हाँ गुना ज्यादा सस्ता और एक तो आउटफिट आप देख के ना बिल्कुल दंग रह जाओगे क्योंकि डिट्टो जो दीपिका ने पहना था ना अंबानी की शादी में मैंने डिट्टो वही आउटफिट मंगवाया है लेकिन

सुंदर फ्लेयर दिया हुआ है और उसके साथ ये इतनी प्यारी सी चुन्नी और भाई ये साथ में जो इसकी स्लीव्स पे काम है ना मजा ही आ गया मतलब ऐसा कुछ अगर आप हल्दी में पहन रहे हो किसकी नजरें आपसे हट जाएंगी और भाई देखो अभी अंबानी की शादी में तो मैं गई नहीं लेकिन घर में तो बहुत सारी शादियां होने ही वाली है और शादियों का सीजन आने ही वाला है तो जितना जल्दी शॉपिंग हो जाए ना उतना अच्छा है तो मैंने तो भाई वेडिंग सीजन की ऑलरेडी शॉपिंग कर ली है अंबानी के नाम से ही सही लेकिन कर ली है दोस्तों तो हमारा हल्दी आउटफिट भी होता है एकदम रेडी और एक सक्सेसफुल अब हम आ जाते हैं मेहंदी पर अब मेहंदी पर ना आजकल लोग नॉर्मल ऐसे ग्रीन व्रीन कलर्स कोई नहीं पहनता सब लोग ना मल्टीपल कलर्स पे जाते हैं एंड आई एम टेलिंग यू आपने ऐसा कोई कॉम्बिनेशन पहले नहीं देखा होगा एक तो देखो पिंक आजकल मेहंदी में बहुत चली रहा है लेकिन ब्लू आप पिंक के साथ जब इंट्रोड्यूस करोगे एंड ये जो प्यारा सा ए लाइन का कुर्ता है मतलब आप आराम से इसमें बैठ के बिना किसी झंझट की मेहंदी लगवा सकते हो प्लस इसका कलर इतना ब्यूटीफुल है पेस्टल एंड मेहंदी में तो आजकल वैसे भी सब लोग कलरफुल ही मांगते हैं एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट कुर्ता इसमें पाकिस्तान स्टाइल है लेकिन अपने है। आप में इतना खूबसूरत है, पूरे कुर्ते के है। और मैंने जान के अपने बालों को ना बन में रखा है क्योंकि ए लाइन कुर्तों के साथ मुझे बन बहुत पसंद है I mean, क्या बोलूं मैं इस मेहंदी आउटफिट के लिए इतना अप्रोप्रिएट है इतना ब्यूटीफुल है कलर भी एकदम हटके है तो भाई अगली बार अगर आप किसी की मेहंदी में जा रहे हो ना तो इस फिट को ट्राई जरूर करना कंफर्ट भी है प्लस ये इतना खूबसूरत काम भी है ये तो आप मिस नहीं कर सकते अब देखो मेहंदी हो गई है तो अब हमें चलना होगा शादी की तरफ और आज मैं रिक्रिएट करने वाली हूं दीपिका पादुकोण का अंबानी वाला लुक क्योंकि भाई मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद आया था उन्होंने पहना था एक रेड कुर्ता एंड आई थिंक नीचे उन्होंने शायद पेंट पहनी थी या शरारा पहना था पता नहीं पिक्चर से समझ नहीं आया मुझे कुछ ज्यादा लेकिन मैंने कुछ कुछ सिमिलर मंगाने की कोशिश की है सच बता रही हूँ उससे एक परसेंट कम नहीं लगने वाला लेकिन प्राइस उससे लाखों रुपए कम में होगी जिस सेकंड मैंने ये ड्रेस पहनी थी ना I was like, Shit, ये कितना लुक है लेकिन उससे काफी ज्यादा सस्ते प्राइस में प्लस इसका कपड़ा बड़ा प्यारा है कंफर्टेबल है खूबसूरत है क्या और चाहिए यार आपको मतलब शादी के लिए इतना खूबसूरत आउटफिट इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी की भी शादी

नहीं पहनते लेकिन मैंने सोचा कि अगर जैसे कोई आफ्टर पार्टी ऐसा कुछ हो एंड मुझे नहीं मन है कुछ वेस्टर्न पहनने का तो मैं पक्का से ये कुर्ता पहनूंगी एंड मैं इसको ऐसे ही पहनूंगी विद तो माथा पट्टी एंड स्टड्स क्योंकि लाइक लुक एट इट ऐसा लग रहा है मैं सितारे अपने साथ लेकर चल रही हूं इसकी सुंदर सी और गेंजा की चुन्नी और ये ब्यूटीफुल सा ब्लैक कुर्ता मतलब यार एक ब्लैक कुर्ता ऐसी चीज है जो कभी गलत ही नहीं जा सकता एंड आई टोटली अग्री क्यों नहीं गलत जा सकता क्योंकि हर किसी पे अच्छा लगता है एंड मैं ये कहूंगी इंडियन नहीं है तो अभी ले लो पे, क्योंकि बहुत में आपको मिल जाएगा अंबानी ने तो हमें अपनी में नहीं बुलाया लेकिन वेडिंग सीजन तो हमें बुला रहा है उसमें होने वाली बहुत सारी शादियां उनके लिए मैं एकदम रेडी आपका फेवरेट कुर्ता आपकी फेवरेट ड्रेस इसमें से कौन सी थी जल्दी से कॉमेंट करके बता दो एंड या जल्दी से जाके शॉपिंग भी कर लो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय